अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो आप लोग ठीक होंगे। जी तो बच्चे मैं आए हुए हैं और नाश्ता बना रही हूँ। जी वही कल वाले करेले और ये देखिए वो है और सालन वहाँ गर्म हो रहा है। शुएब सिंपल रोटी खाते हैं मक्खन के साथ, बच्चे जो हैं वो खाते हैं जी पराठे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जी लस्सी, रात को जो दही जमा हुआ था। यहाँ भी उल्टा ही सीन चलता है, शुएब पीते हैं नमक वाली लस्सी और बच्चे पीते हैं मीठी लस्सी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये बना रही हूँ, मीठी लस्सी बनाऊँगी मलाई की, जो मैं एक दो दिन के लिए इकट्ठा करके रखती हूँ। तो सिंपल रोटी भी फ़िलहाल हम बना रहे हैं और साथ में उनको सालन होता है मक्खन के साथ होती है, और साथ में वो लस्सी लेते हैं बच्चे, चाय पराठा लेते हैं और साथ में मीठी लस्सी जो है वो बच्चों के लिए कभी कभी देती हूँ, रोज़ नहीं देती। यहाँ चाय भी बन रही है, शुएब का नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है और हम लोग यहाँ जो है बच्चों के, मैं देखें पराठे बेल रही हूँ। बच्चे हमारे यहाँ सबका मतलब एक एक होता है, छोटे बच्चों का आधा शुरू कर दिया क्योंकि साथ में लस्सी वगैरह होती है ना, तो ये लोग जो हैं ज़्यादा बचा के रख देते हैं तो उससे पेट इनका फुल हो जाता है। बट इनको नाश्ते में ये रोटी ज़रूर देती हूँ, लंच जो है ये बिल्कुल नहीं खाते। हाथ थोड़ा सा जल गया मेरा, घी का छींटा कर गिरा है ना। सो यहाँ हमारा नाश्ता जो है वो रूटीन आपके साथ मुकम्मल वो कर रही हूँ। ये जो लस्सी ये बच गई है तो इसमें ये मैं ही पीऊँगी, दूध मेरा आ चुका था, सुबह ही आ जाता है। ये है जी मेरी मलाई, मलाई जो है ये देखें इसका हम बनाएंगे जी मक्खन, और उसके बाद जो है हाँ जी गाइस हमारा लस्सी हम बना रहे हैं, लस्सी मीठी लस्सी, मलाई में से जो दूध निकलेगा उसकी हमने बनानी है जी लस्सी, मीठी लस्सी। मेरे बच्चों को जो मीठी लस्सी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अब ये देखें मक्खन माशाल्लाह निकल आया है। ये मक्खन वाली मलाई मैं अलग ही रखती होती हूँ क्योंकि खाने वाली दही में नहीं रखती, नहीं शामिल करती। तो माशाल्लाह ये देखें एक हफ्ते के अंदर मेरा माशाल्लाह इतना मक्खन हो जाता है कि आधा किलो देसी घी जो आसानी से वो निकल आता है। अपने घर के दूध का बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मज़ा है, ऐसा समझ लें। तो ये जी सेकंड में हम कर रहे हैं, बस वो मेरी मट्टी नहीं है, वो मट्टी होती है ना उससे सही निकल आती है, उसके ऊपर मशीन लगा दो। तो यहाँ जो है ये काम हमारा फाइनल हो चुका था, वो डब्बा बंद करके मैं रख रही हूँ मक्खन। बच्चे सिंपल रोटी पर लगा कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फाइनली नाश्ता जो है वो कर कुर के बच्चे जो है वो सब स्कूल चले गए, मासी भी अपने कामों को चली गई है और मैंने जो है चेंज किया है, और अब मैं जो है पढ़ाने की तैयारी करके बैठी हूँ। बाकी आगे वाली रूटीन सारी आपके साथ इसी तरह शेयर करते जाएंगे। टाइम हो चुका है 12:30 का, सुबह वाली ट्यूशन को जो है आज छुट्टी थी, अपना चेस्टर वगैरह जो है वो भी रेडी करके बैठी हुई हूँ। गाड़ी वॉश करनी थी क्योंकि गाड़ी जो है वो घर ही खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इसको साफ कर देते हैं और शाम में हमने कहीं जाना है, जल्दी जल्दी मुझे पढ़ा कर आना है क्योंकि ग्रोसरी करने ही जाना है। जारी बात है, अब आपको क्या वो करूँ, रमज़ान मुबारक से पहले पहले जो भी राशन वगैरह होता है वो ख़रीदना है। तो हमने कहा कि मैं आ जाऊँगा शाम में, तो इकट्ठे ही चलेंगे तो वो लेकर आएंगे, बच्चे भी साथ ही जाएंगे। तो कह रहे थे कि आप आओगी पढ़ा कर तो फिर चलेंगे। असल में ना मुझे खुद हर चीज़ न्यूट करने का शौक़ है, वो तो कहते हैं कि सर्विस, लेकिन ये है कि मैंने कहा अब निकालते ही इनको ये होगा कि बस चले ही जाएं। तो उसके बाद जो है मैं ज़ाहिर बातें पढ़ाने चली जाऊँगी, फिर वापस आएंगे। रमज़ान और मुबारक में काफ़ी टफ रूटीन होती है, अभी का भी इंतज़ाम हो चुका है, वहाँ भी हमें सुनाने जाना होगा, ब्लॉग का भी इंशाल्लाह आपके साथ छोटे छोटे जो है सेहर अफ्तार सब शेयर करते रहेंगे। और मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, साथ में बेल आइकन के बटन प्रेस कर दिया, वीडियो को फुल वॉच किया करें। मेरी आपकी छोटी सी सपोर्ट जो है वो हमें आगे लेकर जा सकती है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आइए जी रूटीन का आगाज़ करते, गाड़ी साफ़ करके ना उसके बाद जाएंगे जी पढ़ाने, गाड़ी के ऊपर कपड़ा मार देते हैं और फिर जो है शाम को हमें जाना है। देखें पता नहीं हमारे यहाँ के दो बड़े स्टोर हैं, एक फोर्ड है और एक अलहसीब है, कहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं। तो मैंने कहा चलें ये काम अपना रेडी करके खड़ा कर दूँ और उसके बाद जो है वापस आएंगे। तो फिर शाम वाले ग्रोसरी बनाने जा रही हूँ मैं। कॉल की तो है, शुएब को देखें वो मुझे छोड़ने आते हैं नहीं आते, अभी कॉल की वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, तो उनका वेट कर रही हूँ। बच्चे भी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, तो आज इन्होंने अपने बाबा से खर्ची लेनी है, पैसे लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो आ चुके हैं शुएब और मैं जा रही हूँ,
पानी को दे। और पूछा इन्होंने क्या करना है? बचा तानिया ने। हमारे 5 पैसे थे। चुप कर चुपका तो सो पढ़ा कर जो है वो मैं आ गई हूँ और अब हम रेडी हो रहे हैं, फिर गाड़ी वगैरह सेट कर रहे हैं और हमने जाना है ग्रॉसरी करने हैं। अलग अलग शॉप्स खुली हों, फाइनली बस आ चुके हैं और जाने की तैयारी हो रही है, जा रहे हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिखाएंगे हम क्या क्या ग्रोसरी करके आए। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।